आज की स्टूडियो में आपका स्वागत दोस्तों। आज की स्टूडियो में हम जयपुर पिंक पैंथर विशेष बेंगलुरु बुल्स जो मैच हुआ उसके हाईलाइट जानने वाले। टॉस जीते बेंगलुरु बुल्स ने, उसके बाद पहली रेड आती जयपुर पिंक पैंथर की, जो कि अर्जुन देसवाल लगाते हैं और अपनी पहली रेड में एक टच पॉइंट लेकर आ जाते हैं। तो अगली रेड पवन कुमार सहरावत लगाती और अपनी पहली रेड में आउट हो जाते। उसके बाद दोनों टीमों डी और डाई रेड पर खेलना शुरू कर देती, धीमी शुरुआत होती। तो उसके बाद जयपुर का डिफेंस बिल्कुल फॉर्म में आ जाता है, तो साथ ही साथ अर्जुन देसवाल भी फॉर्म में आ जाते हैं। 15 मिनट बाकी रहती तो स्कोर होता जयपुर 5 और 3 बेंगलुरु बुल्स। बुल्स का डिफेंस बिल्कुल बेकार खेल रहा था। इस बीच सुपर टैकल कर लेती बेंगलुरु बुल्स। 13 मिनट बाकी रहती है पहले आपकी, जब भी सुपर टैकल होता है तो पवन आते हैं अगली रेड पर, तो पवन भी 2 पॉइंट लेकर चले जाते हैं। तो जयपुर का डिफेंस लगातार बेहतरीन खेल रहा था। 10 मिनट बाकी रहती है पहले आपकी, तो स्कोर होता जयपुर 9 और 8 बेंगलुरु बुल्स। उसके बाद बुल्स की रेडर बिल्कुल शांत थे, जिस वजह से ऑल आउट हो जाती है बुल्स। 6.5 मिनट बाकी रहती है जब बेंगलुरु बुल्स ऑल आउट होती है, तो अगली रेड पर भरत 2 पॉइंट लेकर आ जाते हैं। 5 मिनट बाकी रहती है तो स्कोर होता जयपुर 15 और 12 बेंगलुरु बुल्स। भरत फॉर्म में आ चुके थे, लगातार टच पॉइंट ले रहे थे भरत, और पवन भी उनका साथ दे रहे थे, जिस वजह से ऑल आउट हो जाती जयपुर पिंक पैंथर 1 मिनट बचती सिर्फ पहले आपकी। और पवन कुमार सहरावत भी उसके बाद फॉर्म में आ जाते हैं, तो पहले आपकी सब आखिरी रेड भरत लगाते हैं, जो कि एक सुपर रेड होती है। 3 पॉइंट लेकर आते हैं भरत अपनी इस रेड में। हाफ टाइम का जो स्कोर होता है जयपुर 19 और 22 बेंगलुरु बुल्स, 3 पॉइंट की लीड होती है बुल्स के पास। सेकेंड हाफ की शुरुआत में पहली रेड पवन लगाते हैं और 2 पॉइंट लेकर आ जाते हैं। तो उसके बाद पवन फॉर्म में आ जाते हैं और लगातार पॉइंट लेते हैं बेंगलुरु बुल्स की तरफ से, जिसकी वजह से ऑल आउट हो जाती है जयपुर पिंक पैंथर्स। 17.5 मिनट बाकी रहती है दूसरे आपकी, जब ये ऑल आउट होता है तो अर्जुन देसवाल आते हैं 1 पॉइंट लेते हैं, तो सुपर 10 पूरा हो जाता है अर्जुन देसवाल का। 16 मिनट बाकी रहती है जब ये अर्जुन देसवाल अपना सुपर 10 पूरा करते हैं। 15 मिनट बाकी रहती है दूसरे आपकी, तो स्कोर होता है बुल्स 31 और 22 जयपुर पिंक पैंथर। तो सुपर 10 पूरा कर लेते हैं भरत अपना, जब 14 मिनट बाकी रहती है जब अपना सुपर 10 पूरा करते हैं। दीपक निवासी हुड्डा बिल्कुल फॉर्म में चले हुए थे और आकर इस वक्त आकर टच पॉइंट लेना शुरू कर देते हैं। तो पवन आउट हो गए हो रहे थे, लगातार 2 बार पवन सेल्फ आउट हो गए थे। अर्जुन देसवाल लगातार पॉइंट ले रहे थे। 10 मिनट बाकी रहती है दूसरे आपके, तो स्कोर होता बुल्स 35 28 जयपुर पिंक पैंथर। फिर आता एक टाइम आउट। टाइम आउट के बाद भरत फॉर्म में आ रहे थे, पूरे मैच में भरत पॉइंट ले रहे थे, तो दूसरी तरफ से अर्जुन देसवाल भी लगातार पॉइंट ले रहे थे। तो इस बीच सुपर टैकल कर लेती बेंगलुरु बुल्स। 5.5 मिनट बाकी रहते जब भी सुपर टैकल होता है, 5 मिनट बाकी रहते तो स्कोर होता बुल्स 38 और 32 जयपुर पिंक पैंथर। फिर आता एक टाइम आउट। टाइम आउट के बाद सुपर टैकल कर लेती है बुल्स। 4.5 मिनट बाकी रहती जब भी सुपर टैकल होता है, और बुल्स का डिफेंस भी बिल्कुल फॉर्म में चला हुआ था। इस बीच भरत भी 2 पॉइंट लेकर चले जाते हैं। आखिरी रेड पर पवन कुमार सहरावत 1 पॉइंट ले आते हैं और अपना सुपर 10 भी पूरा कर लेते हैं और 7 पॉइंट से ज़्यादा भी लीड कर देते हैं। फाइनल जो स्कोर होता है इस मैच का बुल्स 45 और 37 जयपुर पिंक पैंथर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब ट्विन कबड्डी फॉर लेटेस्ट कबड्डी अपडेट्स।